करता करे ना कर सके और गुरु किए सब हो। सात दीप नव खंड में, सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न को, गुरु से बड़ा न को। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। हमारे ब्रज के संतों की ऐसी मान्यता है कि धरा धाम पर ये सदगुरुदेव भगवान, ये संत भगवान कोई और नहीं, नित्य ही हमारे श्याम सुंदर संतों के रूप में, सदगुरुदेव के रूप में अवतार लेकर आते हैं। और इनकी कृपा पर भी संदेह मत करना, कभी गुरुदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें तो समझना आज गुरुदेव भगवान ने कोमल कृपा बरसाई है। और कभी हमारी त्रुटियों पर, हमारी गलतियों पर हम पर क्रोधित हो जाएं तो समझना आज गुरुदेव ने हम पर कठोर कृपा बरसाई है। चाहे कृपा, दोनों में ही कृपा छुपी हुई है, चाहे कोमल स्वभाव में मिले चाहे कठोर स्वभाव में मिले। जय सदगुरुदेव भगवान अपने आसन पर बैठे हैं, दो शिष्य गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। एक सेवा तो, एक शिष्य तो वो है जो अष्टयाम नित्य ही गुरुदेव की सेवा में रहते हैं, एक पल के लिए भी गुरुदेव से अलग नहीं होते। और एक शिष्य ऐसा जो कभी कभी आया, दर्शन किया, कुछ देर आश्रम में सेवा की और चला गया। आज दोनों ही शिष्य सदगुरुदेव भगवान की शरण में बैठे हैं और गुरुदेव अति प्रसन्न हैं। आज गुरुदेव भगवान के मन में आया इनको प्रसाद देना है, लेकिन आसपास देखा तो कोई प्रसाद नहीं था, एक आम का फल रखा हुआ था। शिष्य दो हैं, आम का फल एक है। गुरुदेव ने सोचा कि फल एक है, आम दो, शिष्य दो हैं, इनको कैसे दूं? तो गुरुदेव ने बड़े एक सुंदर निर्णय लिया और उस आम के फल में से गुठली को अलग कर दिया और जो फल वाला रस वाला भाग था उसे अलग कर दिया। और जो शिष्य कभी कभी सेवा में आता उसको तो उस फल का रस वाला भाग दे दिया, और जो शिष्य नित्य ही गुरुदेव की सेवा में रहता, तन मन धन समर्पित करके गुरुदेव की सेवा करता, उसको गुरुदेव ने गुठली दे दी। अब जिसको गुठली मिली उसके मन को थोड़ा कष्ट हुआ, देखो तो सही गुरुदेव ने आज इतना बड़ा पक्षपात कर दिया। अरे फल एक था तो चाहते तो दोनों को आधा आधा आम भी दे सकते थे, लेकिन जो कभी कभी आता है केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आता है उसको तो रस वाला भाग दिया और मुझको गुठली, ऐसा पक्षपात गुरुदेव भगवान ने क्यों किया? दिन भर परेशान रहा, मौन रहा, सुस्त रहा, शांत रहा। गुरुदेव देख रहे हैं आज मेरा ये प्रिय शिष्य कुछ अशांत है, हृदय में कुछ इसके कुछ चल रहा है, अशांत है। रात्रि का समय गुरुदेव भगवान अपने शयन आसन पर लेटे हैं विश्राम की मुद्रा में और वो शिष्य चरणों की सेवा कर रहा है। और गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज प्रातः काल से मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा अशांत नजर आ रहा है, तेरे मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं है, इतनी तेरी अशांति का कारण क्या? शिष्य ने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, गुरुदेव हृदय की बात जानते थे लेकिन उसके मुख से सुनना चाहते थे। शिष्य से फिर पूछा, बेटा मुझे लगता है तेरे मन में कुछ चल रहा है, तू अशांत प्रतीत हो रहा है, तेरी अशांति का कारण क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं। गुरुदेव भी पीछे पड़ गए। अब गुरुदेव ने एक बार और पूछ लिया, कारण तो बता, तू आज अप्रसन्न क्यों है, इतना अशांत क्यों नजर आ रहा है, कारण तो बता, हम तेरे गुरुदेव हैं, बार बार पूछ रहे हैं तू उत्तर नहीं दे रहा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कारण कुछ और नहीं,
बस मन में एक थोड़ा सा कष्ट हुआ। सुबह हम दोनों ही शिष्य आपके शरण में थे, एक आम का फल था प्रसाद में देने के लिए। चाहते तो आप दोनों को आधा आधा दे सकते थे, लेकिन उसको पूरा रस वाला भाग दिया और मुझको गुठली। ऐसा पक्षपात तूने क्यों किया? गुरुदेव ने कहा, बेटा भूल कर रहा है, मैंने उसे भी आम ही दिया और तुझे भी आम ही दिया। सतगुरुदेव भगवान की महिमा का वर्णन और पूज्य श्री का शुभ आगमन हुआ, ये कृपा नहीं तो और क्या है। जय हो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि गुरुदेव की कृपा किसी भी रूप में बरसती है, कोमल कृपा, कठोर कृपा। उस शिष्य से गुरुदेव ने बार बार पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी उदासी का यही कारण है कि सुबह हम दोनों शिष्य आपके समक्ष थे और प्रसाद के लिए आपके पास एक आम का फल था। चाहते तो आप दोनों को आधा आधा आम दे सकते थे, लेकिन उसको रस वाला भाग और मुझको गुठली। ऐसा पक्षपात आपने क्यों किया? सदगुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहा, बेटा तुझे भूल हो रही है, मैंने उसे भी आम दिया है और तुझे भी आम ही दिया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव नहीं, आपने उसको रस वाला भाग मुझको गुठली दी। गुरुदेव ने फिर कहा, नहीं, मैंने उसे भी आम दिया और तुझे भी आम ही दिया है। प्रमाण के स्वरूप शिष्य ने गुठली भी दिखा दी, देखो गुरुदेव सुबह आपने मुझे ये गुठली दी थी, ये प्रसाद में गुठली मिली है, आप कहते आम दिया। गुरुदेव ने गुठली देखने के बाद भी कहा, बेटा अब भी भूल कर रहा है, मैंने उसे भी आम ही दिया है और तुझे भी आम ही दिया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब तो आपको ही इस रहस्य को खोलना पड़ेगा, बताओ तो सही, गुठली सामने है, आपने मुझे आम किस रूप में दिया? कृपा देखो सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव मुस्कुराए, कहा, देख जो शिष्य सुबह जिसे मैंने रस वाला भाग दिया, वो तो कभी कभी आता है, औपचारिकता निभाई और चला जाता है, इसलिए मैंने उसे आम का रस वाला भाग दिया। कुछ देर आम का स्वाद लेगा, भूल जाएगा, संसार में फंस जाएगा, माया में फंस जाएगा, उस रस को भूलेगा। लेकिन तुझे मैंने गुठली इसलिए दी थी कि तू इस गुठली को भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, तू मेरा सुपात्र शिष्य है, मैं जानता हूँ तू इस गुठली को जमीन में बोएगा, जमीन में बोने के बाद एक आम का वृक्ष प्रकट होगा और उस आम के वृक्ष पे इतने आम लगेंगे कि तू भी आम का स्वाद लेगा और संसार को भी आम का रस देगा। ये गुरुदेव की कृपा है, इस कृपा को मनाया करो, इस कृपा को अनुभव किया करो और गुरुदेव के चरणों में जब भी जाओ, जब मौन होके जाया करो, शिव की शिकवे शिकायतें संकट कष्ट मुसीबत मत लेके जाया करो। क्यों? क्योंकि बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं। प्यारे, बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं। कश्म कश्म है मेरी भी गूंगी मोहब्बत, ना ये बोलते हैं ना हम बोलते हैं। जय जय। आओ सदगुरुदेव भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए रसना को पवित्र करो। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते, संत आते हैं, जगत में संत आते हैं, प्रेम का प्याला पिलाने को, प्रेम का प्याला पिलाने को, जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को संत आते हैं। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। प्रभु से मिलाने को, हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं।
गुरुदेव की पहचान क्या है, गुरुदेव भगवान की पहचान क्या है, सच्चे संत की पहचान क्या है? सच्चा संत आपके जीवन की दशा नहीं बदलेगा। सच्चा संत वो और होंगे कि चौराहे पे चार नींबू रख जाओ तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, वो और होंगे कि लाल कपड़े में ये बांध के रख लो तो तुमको फायदा होगा। नहीं, सच्चे संत की पहचान क्या है, जो आपके जीवन की दशा नहीं आपके जीवन की दिशा बदल दे। प्यारे हो हमें सद्मार्ग दिखाने को जगत में संत आते हैं। सद्मार्ग दिखाने को जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। संत आते हैं।
ध्यान रखना सदा हरि नाम जपाने को, सदा हरि नाम जपाने को, ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठा के सदा हरि नाम जपाने को, जगत में संत आते सदा हरि नाम जपाने को, जगत में संत आते प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। ये जीवन सार्थक बनाने को, ये जीवन सार्थक बनाने को, जगत में संत आते हैं। ये जीवन सार्थक बनाने को, जगत में संत आते हैं। हे आमीन प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को, हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को, जगत में संत आते हैं। बार प्रेम से सभी बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरदास, थोड़ा जोर से बोले श्री हरदास, एक बार और बोले श्री हरदास।